जय श्री राम प्यारे भक्तों, तीन संकेत भगवान आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। देखो प्यारे भक्तों, सफल प्रार्थना अगर आप भगवान से करोगे और अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो ये वो तीन बातें बहुत ही जरूरी हैं जिनकी वजह से भगवान आपकी हर समस्या को दूर करेंगे। पहला नंबर, समस्या को स्वीकार करें या मान लें। जो भी आपकी समस्या है उसको आप स्वीकार कर लें और उसको मान लें। नंबर दो, समस्या को भगवान के हवाले कर दें। अपने मन में ये दृढ़ विश्वास रखें कि सिर्फ भगवान ही इसे सुलझाने का सबसे प्रभावी समाधान जानते हैं। नंबर तीन, गहन विश्वास की शांत अनुभूति रखें कि यह काम हो चुका है। यानी जो भी आपकी समस्या है उसको मन में ये नहीं सोचना होगी समाधान या नहीं होगा, आपको ये मन में विश्वास रखना कि मेरा काम हो चुका है। झिझक और शंकाएं आपकी प्रार्थना को सिर्फ कमजोर करती हैं। खुद से यह नहीं कहें काश मैं ठीक हो जाता या मुझे उम्मीद है कि यह कारगर होगा। जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिणाम तय होता है। मान लें कि आपको सामंजस्य अवश्य मिलेगा, आपको सेहत अवश्य मिलेगी। अब चेतन मन की यानी कि परमात्मा की असीमित उपचारक शक्ति का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं। सेहत के विचार को चेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं, फिर आराम से बैठ जाएं। अपनी सारी समस्या भगवान तक पहुंचाएं, चिंता फ्री हो जाए। खुद को उसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहें यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ चेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है और वो शक्ति, वो अवचेतन मन जो आपके अंदर विद्यमान है, परमात्मा उसी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, वो आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य ही करेंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।